हे एवरीवन, मैं हूं ज्योति जसनेदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं बस सो के उठी और कैमरे के आगे आके बैठी हूं, तो यस आई हैव, बिकॉज आज अ संडे, आई हैव नॉट टेकन अ शावर येट, क्योंकि आज मैं करने जा रही हूं मेरे बालों को कलर। यस, पहली बार मैं मेरे बालों को कलर करने जा रही हूं, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ एंड एक्साइटेड भी हूँ कि क्या होगा, कैसा कलर आएगा बालों में। मैंने पहले मेहंदी वगैरह लगाई हुई है, बट मैंने कलर कभी भी नहीं किया है मेरे बालों को। बट थोड़ा सा एक चेंज चाहिए था, एंड मैं बहुत बहुत टाइम से सोची थी मेरे बालों को कलर करने के लिए। और आज जो कलर मैं मेरे बालों पे यूज करने जा रही हूँ वो है ये बी ब्लेंड का सलॉन सीक्रेट हाई शाइन क्रेम हेयर कलर। एंड फॉर दिस वीडियो आई हैव पार्टनर्ड विद बी ब्लेंड, एंड आई एम रियली हैप्पी टू पार्टनर विद देम, बिकॉज बी ब्लेंड इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड। इट स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी। दे ऑफर कटिंग एज हेयर केयर एंड स्टाइलिंग। तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने अपने ऊपर, मतलब आज जब इसको लगाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने बहुत 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 सारे रिव्यू एंड डेमो वीडियोस देखे हैं, ताकि मैं सही से कर पाऊँ एंड आप सबके साथ भी शेयर कर पाऊँ कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये जो है काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में आता है, आई थिंक ब्लैक, महोगनी, बहुत सारे कलर ऑप्शंस है। मैंने जो चूज किया है ये है कॉफी नेचुरल ब्राउन 4.31 कलर नंबर है, एंड कलर का नाम है कॉफी नेचुरल ब्राउन। मेरे बाल जो है वो वीडियो में मे भी आपको एक कम्प्लीटली ब्लैक दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली ब्लैक। इनका नेचुरल कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक नहीं है, थोड़े मतलब ब्राउन साइड में है, इसलिए मैंने ये कॉफी कलर चूज करा है, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही हटके नहीं चाहिए, बट हाँ ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा मतलब अलग लगे, बट फिर भी मेरे नेचुरल हेयर कलर से ब्लेंड हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब मैं बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ मेरे बालों के साथ, तो इसलिए मैंने ये वाला शेड चूज करा है। एंड लेट मी टेल यू कि आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इस कूपन कोड को आप यूज करोगे बी ब्लेंड पे, तो आपको इस पे मिल जाएगा 15% का ऑफ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप ये कहां से ले सकते हो, तो आप बी ब्लेंड की वेबसाइट beeblend.com, साथ ही साथ में Amazon, Nykaa, Flipkart एंड Myntra से इसको ले सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो जब आप इसको इस तरीके से कुछ ओपन करेंगे, तो यहाँ पे सारी चीजें अंदर दी हुई है, मैं एक एक करके निकालती हूँ। तो ये दिया हुआ है डेवलपर, कुछ इस तरीके की ट्यूब में है। ट्यूब वाला सिस्टम मुझे सही लगा यार, मतलब बिल्कुल भी मैसी वैसी नहीं होगा। देन ये दिया हुआ है कलरेंट, ये भी ट्यूब में है। एंड एक और छोटी सी ट्यूब दी है, देखती हूँ क्या है। और ये दिया हुआ है शाइन टॉनिक, एंड साथ ही में यहाँ पे दिया हुआ है ये ग्लव्स और ये लीफलेट। लेट मी टेल यू कि जो शाइन टॉनिक है यही इस पूरी रेंज का मैजिक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि मॉइस्चर को लॉक इन करेगा, बालों को प्रोटेक्ट करेगा एंड सलॉन लाइक शाइन देगा बालों को। साथ ही साथ में इसमें सिल्क प्रोटीन को भी ऐड करा गया है, जो कि बालों को शाइन देगा, मॉइस्चर को लॉक इन करेगा, इलास्टिसिटी देगा एंड हेयर ब्रेकेज को भी प्रिवेंट करेगा। तो इन्होंने मेंशन करा है कि सारी चीजों को एक नॉन मेटालिक बोल में मिला के मिक्स करना है, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का डब्बा ले लिया और साथ में ये ब्रश ले लिया अप्लाई करने के लिए। मेरे पास हेयर कलर अप्लाई करने वाला ब्रश नहीं है, क्योंकि मैंने कभी यूज ही नहीं किया है, तो मैंने ये फेस पैक अप्लाई करने वाला ब्रश ले लिया। अगर आपके पास हेयर कलर अप्लाई करने वाला ब्रश है, तो प्लीज आप उसको ही यूज करिएगा, मेरे पास नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन। तो ये मैंने ले लिया है मेरा बोल। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी ये डेवलपर, और मैं जैसा मैंने बताया कि मैं पूरे बालों में लगाने वाली हूं, तो मैं इसकी पूरी की पूरी ट्यूब डालूंगी। प्लीज मेक श्योर कि योर बोल इज नाइस एंड क्लीन, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ निचोड़ लेना है। नेक्स्ट मैं ऐड करने जा रही हूँ ये कलरेंट, एंड प्लीज मेक श्योर कि जब आपकी पूरी तैयारी हो उसके बाद ही आप ये सब मिक्स करें, क्योंकि मिक्स करने का तुरंत ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये सील है, मैं इसको ब्रेक कर लूंगी एंड नाउ गोइंग टू मिक्स एवरीथिंग। एंड मेक श्योर कि आप अपने फेस से और आंखों से थोड़ा सा दूर रखें। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एड द शाइन टॉनिक। वैसे मैंने ग्लव्स पहन लिया है, तो ग्लव्स पहन के ही ये काम स्टार्ट करें, एंड इसको भी मैं पूरा अच्छे से स्क्वीज कर लूंगी। तो सारी तीनों ही चीजें मैंने बोल में डाल ली हैं, अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि एक नाइस क्रीमी कंसिस्टेंसी में सारी चीजें ना आ जाए, होमोजीनस ना हो जाए। तो
इट्स डन, इट्स नाइस एंड क्रीमी होमोजीनियस। और अब मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी। वैसे मैं टेल यू कि इन्होंने कहीं भी मेंशन तो नहीं करा, बट फिर भी मैंने मेरे फोरहेड पे यहाँ पे हेयर लाइन पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया है ताकि कुछ भी अगर यहाँ पे लगता है तो उसका दाग वाग ना पड़े। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी एप्लीकेशन। मैंने मेरे बालों को अच्छे से पहले से ही कोम कर लिया था, तो बालों को अच्छे से कोम कर लें। एंड यहाँ पे मैं पहले इस तरीके से बालों को पार्ट कर लूंगी बीच में, समथिंग लाइक दिस। एंड मैं स्टार्ट करूंगी रूट से, तो इस तरीके से मैं कुछ अप्लाई कर रही हूं एंड काफी अच्छे से स्प्रेड हो जा रहा है। अब मैं ऐसे में छोटे छोटे सेक्शंस ले लूंगी एंड कवर करूंगी। एंड अच्छी चीज ये है ना कि ये बिल्कुल नो ड्रिप है, मतलब इधर उधर से बह नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, तो कपड़े वगैरह खराब होने का चांस नहीं है। तो देख रहे हैं आप कैसे सेक्शंस में इसको लगा रही हूं, तो वैसे ही इसको पहले सेक्शंस में लगा लेंगे। एज यू कैन सी एक साइड में पूरा मैंने कवर कर लिया है फ्रंट एरिया, एंड सेम मैं दूसरे सेक्शन में भी करूं। तो व्हाट आई डू कि यहां तक तो एटलीस्ट मैंने अप्लाई कर ही लिया है, तो अब जो बचा है उसे मैं मेरी लेंथ में अप्लाई करूंगी। तो वैसे क्योंकि ग्लव्स पहना हुआ है तो इसको हाथ से भी अप्लाई किया जा सकता है, तो मैं इसको हाथ से ही अब अप्लाई करूंगी क्योंकि अब लेंथ में अप्लाई करना है, मुझे नहीं लगता कि ब्रश उतना अच्छा काम करेगा, तो मैं इसको मेरे हाथ से ही अप्लाई कर रही हूं। एंड आई थिंक कि एक पैक में हो जाना चाहिए, लेट्स सी। प्लीज मेक श्योर कि आप कोई पुरानी सी टी शर्ट या कोई पुराना कपड़ा पहनो ताकि आपका कपड़े खराब होने की कोई भी चांस ना रहे। एंड अगर कोई, वैसे तो खुद से लगाना इज एक्सट्रीमली इजी, जैसे मतलब कोई हेयर पैक लगाते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। एंड सी, एक साइड मेरा आराम से हो गया लेंथ। सेम साइड में ऐसे ही अप्लाई कर लूंगी। एंड इट्स अ गुड आइडिया टू अप्लाई सम ऑयल फेस पे एंड ईयर पे, क्योंकि कैसे भी करके ये आपके बाल आपके फेस पे आएंगे ही, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप लगा ले कुछ ऐसा कि बाल जो है वो आपके फेस से ना चिपके। अब इतना सा बचा हुआ है तो मैं क्या करूंगी कि मैं ट्राई करूंगी कि बैक में मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूं। एंड अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं मेरे बालों में ये क्लच लगा लूंगी ताकि बाल अच्छे से एक जगह रहें। एंड मेंशन करा हुआ है इन्होंने कि इसको अप्लाई करने के बाद 30-45 मिनट्स तक रखना है, और उसके बाद इसे पहले नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, जब कलर अच्छे से बालों में से निकल जाए उसके बाद शैम्पू एंड कंडीशन करना है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगी, लगभग मैं 30 मिनट्स तक वेट करूंगी उसके बाद, एंड जब मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तब मैं आपको मिलूंगी और दिखाऊंगी कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिले हैं। एंड नाउ आई एम गोना सेफली डिस्कार्ड दीज ग्लव्स। सो आई एम बैक एंड मैंने मेरे बालों को वॉश कर लिया है, बाल जो है वो मेरे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं एज यू कैन सी। तो अब मैं शेयर करती हूँ मेरा पोस्ट वॉश एक्सपीरियंस। तो वॉश करने के टाइम पे इट वॉज वेरी इजी, इसको मैंने तब तक नॉर्मल वाटर से वॉश किया जब तक कलर मेरे बालों में से अच्छे से निकल नहीं गया। एंड उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ शैम्पू किया। पहले मैंने सोचा था कि मैं शैम्पू के बाद कंडीशनर भी करूंगी, बट फिर मैंने कंडीशनर स्किप किया बिकॉज मुझे जानना था कि शैम्पू के बाद एक्चुअल टेक्सचर क्या होता है बालों का। कंडीशनर लगाएंगे तो बाल वैसे भी सॉफ्ट सिल्की हो ही जाते हैं, बट अगर मैं कंडीशनर स्किप करती हूँ तो कलर की वजह से मेरे बाल जो है वो रफ होते हैं या नहीं होते हैं, ड्राई होते हैं नहीं होते हैं। और आप जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बिल्कुल भी रफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ फील हो रहा है, और साथ ही साथ में बहुत अच्छी सी मेरे बालों में शाइन है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी आई एम प्रिटी श्योर।
तो उस डिपार्टमेंट में बिल्कुल थम्सअप है, मतलब बालों के टेक्सचर को काफ़ी अच्छा किया है इसने, एंड जो इसमें शाइन टॉनिक थी आई थिंक उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। और बात करूं कि मतलब कलर कैसा आया है मेरे बालों में, तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे जो नेचुरल हेयर कलर है, कैमरा में भले ब्लैक दिखता है, वो ब्लैक नहीं है, कह लीजिए कि डीप डार्क ब्राउन हेयर कलर है जो मेरा नेचुरल हेयर कलर है। एंड मैंने कहा था कि मुझे ऐसा ही हेयर कलर चाहिए जो मेरे नेचुरल हेयर कलर से ब्लेंड हो जाए, एंड बिल्कुल मुझे वैसे ही रिजल्ट्स मिले। मेरे नेचुरल हेयर कलर से ये कलर बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, एंड जब लाइट हिट कर रही है ना तो एक बहुत ही अच्छा सा डार्क ब्राउन सा ह्यू आ रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जब सनलाइट में मैं जाऊंगी और जब सनलाइट हिट करेगी ना बालों को, तो वो और ज्यादा उभर के आएगा। तो मतलब जैसा कलर मुझे चाहिए था कि बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, वैसा ही आया है। जब कभी मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मूड रहेगा तो इनके रेंज में से जो अदर शेड्स हैं मेरे हेयर कलर से हटके, मैं ज़रूर उसको ट्राई करूंगी। बट मैं पहली बार मेरे बालों को कलर कर रही थी एंड मैं कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। ग्रेस के मामले में बहुत अच्छे से इसने कवर कर दिया, बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया, मेरा बिल्कुल जैसे सलॉन लाइक हेयर लगते हैं ना, ब्लो ड्राई वगैरह करवा के आओ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बहुत ही लाइट वेट, मतलब बहुत अच्छा सा टेक्सचर लग रहा है, एंड बाकी जैसा कलर मुझे चाहिए था मुझे वैसा ही कलर मिला है। तो मेरी तरफ से मैं इसको बिग थम्स अप दूंगी। सो इफ यू आर समवन जो सिर्फ अपने रूट्स को टचअप करने के लिए कोई अच्छा हेयर कलर देख रहे हो, अमोनिया फ्री हो, बालों को ड्राई ना करे, बालों के टेक्सचर को और अच्छा करे, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड इनमें बहुत सारी कलर रेंज है, शेड रेंज बहुत ही मतलब डाइवर्सिफाइड है, तो अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ हटके कलर चाहिए, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चियर।